पीएम मोदी ने अमेरिकी दौरे का हर एक छोटे पल का वीडियो ट्वीट किया है। ये भारत को गौरवान्वित करने वाला वीडियो है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, एक बहुत ही खास यूएस यात्रा के समापन पर, जहां मुझे भारत यूएस दोस्ती को गति देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों और बातचीत में भाग लेने का मौका मिला। हमारे देश अपने ग्रह पर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर स्थान बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह सिसी के निमंत्रण पर आज शाम काहिरा पहुंचेंगे। बड़ी बात यह है कि 1997 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। हालांकि इस बीच आपको ये भी बता दें कि इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह में अलसीसी चीफ गेस्ट थे। उन्होंने तभी पीएम मोदी को मिस्र की राजकीय यात्रा का निमंत्रण दिया था। प्रधानमंत्री मोदी मिस्र की 2 दिवसीय यात्रा पर है। पीएम मोदी मिस्र की राजधानी काहिरा में 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद का दौरा भी करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हेलियोपोलिस शहीद स्मारक भी जाएंगे, जहां प्रथम विश्व युद्ध के शहीद हुए 4000 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1914 से 1919 से चले प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने 11 लाख भारतीय जवानों को लड़ने के लिए भेजा था। इनमें से 74,000 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। हालांकि बड़ी बात यह है कि अल हकीम मस्जिद शहर की दूसरी सबसे बड़ी और चौथी सबसे पुरानी मस्जिद है। 13,560 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली इस मस्जिद में 4 बड़े हॉल है, जहां नमाज अदा की जाती है। वो सबसे बड़ा हॉल है, ये करीब 4,000 वर्ग मीटर जितना बड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी अल हकीम मस्जिद में लगभग आधा घंटा बिताएंगे और बोहरा समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। दरअसल इस्लाम मानने वाले 72 फिरके में बटे हैं, इनमें से एक बोहरा समुदाय भी है। दाऊदी बोहरा समुदाय शिया मुस्लिम के सदस्य हैं। ये लोग फातिमी इस्लामी तैयबी विचारधारा को मानते हैं। बोहरा मुस्लिम की शुरुआत मिस्र में हुई है और फिर यमन होते हुए 11वीं सदी में इस समुदाय के कुछ लोग भारत आकर बस गए। गुजरात और महाराष्ट्र में ज्यादा है इनकी संख्या। बाद में बोहरा मुस्लिमों ने अपने संप्रदाय की गद्दी को यमन से गुजरात के पाटन जिले में मौजूद सिद्धपुर में स्थानांतरित कर दिया। बहरहाल इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा मस्जिद की हो रही है, जहां पीएम मोदी जाएंगे। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।